गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं क्लास 9th में संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत कुछ धातु रूप से रिलेटेड टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखें और समझें कि कैसे इनका वर्क हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दृश धातु का फ्यूचर टेंस अर्थात लिट लकार। इसमें मैंने दृश धातु के लिट लकार के बारे में लिखकर यह बताई हूँ कि लिट लकार का रूप कैसे होगा। तो एक वचन पहले देखते हैं, एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। पुरुष में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन से एक व्यक्ति का प्रमाण मिलता है, द्वि वचन से दो का और बहुवचन से दो से अधिक व्यक्तियों का। इसे मैं फिर 9th क्लास में इसलिए बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट भूल चुके हैं उन्हें फिर से उनका फिर से रिवीजन हो जाए और वे अच्छी तरह इस वीडियो को समझ सकें। पुरुष किसे कहते हैं? तो पुरुष का मैं डिफिनेशन दे रही हूँ। पुरुष उसे कहते हैं जिससे बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बोला जाए उसकी जानकारी होती है। प्रथम पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं। तो प्रथम पुरुष में एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन है। देखिए प्रथम पुरुष द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यत। उत्तम पुरुष द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्याम। ये दृश धातु का है। दृश का मीनिंग देखना होता है और फ्यूचर टेंस में लिट लकार में इस तरह से इनका रूप चलता है। नेक्स्ट जो धातु भर्व मैं बताई हूँ वह है पच। पच मीन्स पकाना और इसका भी मैंने लिट लकार इसमें बताया है। देखें आप लोग पच धातु का फ्यूचर टेंस कैसे होता है। प्रथम पुरुष में है पच्यति, पच्यत, पच्यन्ति। मध्यम पुरुष में पच्यसि, पच्यथ, पच्यत। उत्तम पुरुष में पच्यामि, पच्याव, पच्याम। अब उन्हीं के आधार पर, धातु रूप के आधार पर ही कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ब्रैकेट में दिए गए भर्व धातु को लेकर नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग से कंप्लीट करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, अहम परीक्षा विषय निश्चिंत। अस धातु है ब्रैकेट में, तो अस धातु का अहम के साथ क्या होगा ये आंसर चूज करना है। तो हमारा पहला आंसर है, ऑप्शन है अस्मि, सेकंड है असी, थर्ड है अस्म। तो ये हो गया हमारा, और फोर्थ है संति। तो हमें प्रोनाउन अहम के अकॉर्डिंग चूज करना है करेक्ट आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्मि। आप लोग वीडियो का अच्छी तरह से स्टडी करें। वीडियो के स्टडी करने से बहुत सारे सिलेबस के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन आंसर का अध्ययन हो जाता है। नंबर सेकेंड है कृति स्व भ्रात्रा स चेन्नई नगरम खाली स्थान और ब्रैकेट में है गम। तो इस तरह से ये हुआ, ऑप्शन गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यति। तो हमें नाउन प्रोनाउन के आधार पर ही
करेक्ट आंसर 10 के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो कृति प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गमिष्यति। नेक्स्ट है सुचित्रा हय उत्तीर्णा खाली स्थान ब्रैकेट में है भवेत भविष्यसी। भविष्यामी अभवत तो हमें सुचित्रा के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर चूज करना है। सुचित्रा प्रथम पुरुष एक वचन है, भू धातु है, हय है, फ्यूचर टेंस है, लंग लकार है, पास्ट टेंस है, हय फ्यूचर टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है। तो हमें इसमें भू के अनुसार करेक्ट आंसर चूज करना है, तो अभवत हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, वयम परिश्रमेन स्वकार्यम रिक्त स्थान। ऑप्शन में है करोति, कुर्मा, करोसी, कुरुता। तो हमें देखना है सबसे पहले नाउन प्रोनाउन क्या है, नाउन प्रोनाउन के आधार पर ही हमें वचन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर चूज करना है। तो हमारा हो गया सबसे पहले वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन, तो अहम आवाम वयम, तो हमें इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा करोति नहीं होगा, कुर्मा होगा करेक्ट आंसर, करोसी भी नहीं होगा, कुरुता भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कुर्मा होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर पूरा को अपि वनवासी मुनि रिक्त स्थान। कोष्टक में है अस, तो अस धातु का हमें ऑप्शन चूज करना है। अस धातु का हो जाएगा आसित, और जो भी होंगे वे नहीं आएंगे। नेक्स्ट है त्वम विद्यालयम रिक्त स्थान। गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि। त्वम विद्यालयम, इसमें हमें त्वम के साथ त्वम के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर चूज करना है लोट लकार, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गच्छ। गच्छतम नहीं होंगे, रॉन्ग है, गच्छत भी नहीं होंगे, गच्छानि भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर, 9 नंबर, स लेखम रिक्त स्थान। लिखेत, लिखेत, लिखेतम, लिखे, तो इस आधार पर हो जाएगा हमारा विधिलिंग लकार में स लेखम लिखे। नेक्स्ट है 11, भू धातु रूपम अस्ति। इसमें भू धातु से रिलेटेड जो धातु रूप हैं जिस भी लकार के हों उसे हमें चूज करना है। तो पहला है नमानी, दूसरा है भवानी, तीसरा है गच्छानी, और 4 है नम। तो हमें करेक्ट आंसर भू धातु का चूज करना है भवानी।
नंबर 12 में अधुना स ग्रामम, स के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर चूज करना है गच्छे गच्छेत गच्छेतम गच्छेयु, तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर गच्छे। तो इस तरह से मैंने धातु से रिलेटेड क्वेश्चन का स्टडी कराई हूँ। आप लोग इस वीडियो का बार बार अध्ययन करें और इसे समझें।